प्रदेश के खंडवा से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल होटल रंजीत के संचालक और मालिक आशु बख्शी का हार्ट अटैक से या ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि हार्ट अटैक से हुआ कि ब्रेन हैमरेज से, परंतु लगभग एक डेढ़ घंटे पहले उनको अचानक सीने में दर्द हुआ और उसके बाद आनन फानन में उन्हें खंडवा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ ICU में उन्हें रखा गया। कुछ देर बाद उनका डॉक्टरों ने ये घोषित कर दिया कि अब उनके शरीर में जान नहीं है, यानी उनका स्वर्गवास हो गया है। खंडवा शहर में दुख की लहर फैल गई है। आशु बख्शी बेहद मिलनसार व्यक्ति थे, सारे पार्टियों के नेता से उनके अच्छे कॉन्टैक्ट थे। सभी समाज सेवियों को जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी या पॉलिटिकल पार्टियों करनी होती थी तो रंजीत होटल में करते थे। सभी पत्रकारों से उनके अच्छे संबंध थे। खंडवा के प्रत्येक नागरिक से, खंडवा के जितने भी अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबसे उनके बहुत अच्छे व्यवहार थे। खंडवा का जाना माना होटल रंजीत होटल कहलाता है, खंडवा के सेंटर पॉइंट में स्थित है। खंडवा की फैमिलीज़ का बहुत फेवरेट होटल वो था और इतने ही फेवरेट, उतने ही चाहने वाले आशु बख्शी के थे जितने उनके होटल के थे, उससे ज़्यादा उनको चाहने वाले थे। उनका व्यवहार बहुत मिलनसार था और खंडवा शहर में बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है। जिसने भी इस खबर को सुना दुखी हो गया। स्वाभाविक है कि खंडवा के इतने अच्छे आदमी का, खंडवा का एक ऐसा सम्मानित व्यक्ति जो सभी से अच्छा व्यवहार रखता था, और उसके निधन की खबर पर स्वाभाविक है कि खंडवा में दुख का माहौल निर्मित होगा। किसी भी शहर में दुख का माहौल निर्मित होगा। बहरहाल अकाकू के सभी दर्शकों की ओर से और हमारी ओर से हम उनकी दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और परिवार को इस बेहद दुख की घड़ी में हिम्मत प्रदान भगवान करें, ऐसी हम कामना करते हैं। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।